थोड़ा बाजू इनको तो और लूर करना, लाइक 20 सेकंड और भाई, ज्यादा नहीं। कमान 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 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा यार। 10-20 सेकंड और भाई, ज्यादा कुछ नहीं, 10-20 सेकंड। अरे एक ग्लास बच गया गाइस, अभी मैं कर दूंगा, अभी मैं कर दूंगा, पक्का आइए, पक्का कर दूंगा। राजा स्लाइडर आया, किसी के ऊपर नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, एसजीओ एसजीओ भाई, इस बार मैं कर करूंगा, पर बिल्कुल भी फंसना मत, नहीं फंसूंगा, नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा। तो क्या हुआ, बंद हो गया। What if? तो हेलो तुम सबका स्वागत है सभी लोगों का, वेलकम टू माय न्यू व्हाट इफ वीडियो। तो गाइस आज हम लोग व्हाट इफ में बात करने वाले हैं कि क्या हो अगर यस स्मार्टीफाई मरे ही नहीं रहते हैं डार्क हिमलैंड्स में, तो क्या होता है हिमलैंड्स के अंदर। तो चलो यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, लास्ट तक देखना, बढ़ते वीडियो की तरफ को। तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कि हम लोग को वो नॉस्टैल्जिक, मतलब वो जो भाई, मतलब क्या बोलूँ, जो हम लोग ने हिमलैंड सीजन 4 में देखा था, जिस चीज़ को, जिसको देख के हम पुराने यस स्मार्टीफाई के व्यूवर्स एकदम मतलब खुश से हो गए थे, वो चीज़ था हिमलैंड सीजन 1। तुम लोग को याद ही होगा कि सीजन 4 में हम लोग को हिमलैंड सीजन 1 भी देखने को मिला था। अब वो कैसे देखने को मिला था, जब अपने यस स्मार्टीफाई भैया टाइम ट्रैवल किए थे। टाइम ट्रैवल वो कैसे किए थे, जब वो फारलैंड में आ गए थे मरने के बाद, फारलैंड में आने के बाद वो एक विलेज में गए थे, विलेज से उनको एक राजा से टाइम मशीन मिली, टाइम मशीन से वो हिमलैंड सीजन 1 में गए। पर अगर वो मरे ही नहीं रहते तो ना ही वो फारलैंड्स जाते, ना ही वो उस भद्दे से राजा के पास ना ही वो उस भद्दे से राजा के पास जाते, ना ही वो उस समय मशीन के पास जाते, और ना ही वो हिमलैंड सीजन 1 में जाते। तो मतलब अगर वो नहीं मरे रहते तो हम लोग को हिमलैंड सीजन 1 नहीं देखने मिला था। और मैं तुम लोग को बता दूं कि लास्ट में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इसी व्हाट इफ के एपिसोड में, भाई इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहना। तो गाइस तुम लोग को याद होगा कि हमारे जो स्मार्टी भाई, उनकी स्किन जो थी वो फेड हो गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए वो ट्राई पोर्टल गए थे। ट्राई पोर्टल में वहाँ पे उनको मिला था वो क्या बोलते हैं, नुबड़ा जी का भाई मिला था। पर अगर वो कभी हिमलैंड्स में मरते ही नहीं तो ना ही वो फारलैंड जाते, ना ही वो टाइम मशीन का यूज़ करते। अगर वो टाइम मशीन का यूज़ नहीं करते तो उनकी स्किन भी फेड नहीं होती, और ना ही उनको ड्रीम बॉय पहचानने से मना करता, ना ही एजियो। और सबसे पहली जो चीज़ होती कि किंगडम चारों के चारों का रहता। अब ऐसा क्यों, अगर यस स्मार्टीफाई भैया मरे ही नहीं रहते, वो जब अपना एंडर पल फेंके थे उसी टाइम अगर वो टेलीपोर्ट हो गए रहते तो उन लोग साथ ही साथ हिमलैंड में चले जाते, और सबसे पहले वो लोग जाके क्या करते, चारों के चारों किंगडम के राजा बनते। तो ना ही वो जो झगड़ा अभी हो रहा है स्मार्टी भैया, एजियो भैया और ड्रीम बॉय सबके बीच में जो हो रहा है वो होता ही नहीं। तो भाई मतलब लिटरली, मतलब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, और ना ही ड्रीम बॉय को हीरो ब्रांड मिलता। अगर उसको मिल भी जाता तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसको अपने दोस्त लोग से दुश्मनी होती ही नहीं। अब गाइस हम लोग आते हैं अपने लास्ट चीज़ के ऊपर। तो गाइस अगर स्मार्टी भैया नहीं मरे रहते ना तो भी कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि वो कुछ एपिसोड बाद ही वापस से मर जाते। अब ऐसा क्यों, वापस नहीं आई मीन वो मर जाते, अब क्यों? अगर तुम लोग को याद होगा जब वो टाइम मशीन से पीछे गए थे सीजन 1 में, तो वहाँ पे सीजन 1 वाले स्मार्टी भाई को विजर्ड ने मारने की कोशिश की थी, क्योंकि विजर्ड उस टाइम पे एक पेड़ असैसियन था, तो उसने मारने की कोशिश की थी स्मार्टी को TNT का यूज़ करके, पूरे घर के नीचे TNT लगा के। तो स्मार्टी भैया जो कि प्रेजेंट वाले, उन्होंने जब पास्ट में जाके अपने स्मार्टी भाई को बचाया, मतलब पुराने वाले, मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो उन्होंने बचा लिया। उन्होंने कहा था कि अगर पास्ट वाले यस स्मार्टी भाई मर गए तो प्रेजेंट वाले भी नहीं बचेंगे, वो धीरे धीरे करके वैनिश हो जाएंगे। सो या अगर वो टाइम मशीन से कभी पीछे जाएंगे ही नहीं तो फिर पास्ट वाले यस स्मार्टी भाई तो मर ही जाएंगे। मैं तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, अगर वो टाइम मशीन में गए नहीं रहते, फारलैंड्स में जाकर टाइम मशीन में नहीं गए रहते, तो उनको विजर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता कि विजर्ड ऐसा, मतलब ना ही हम लोग को वो रेड डेविल, ना ही वो ग्रीन डेविल के बारे में, किसी के भी बारे में अपन को पता नहीं चलता, ना ही विजर्ड के बारे में कि विजर्ड हमारे साथ डबल गेम खेल रहा है। तो भाई हाँ, भले फ्यूचर में हम लोग को पता चल जाता कि विजर्ड ऐसा ऐसा कर रहा है, पर उसको होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता। पर भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज हो चुका, इसलिए मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ यार। मतलब लिटरली मैं खुद कंफ्यूज हो गया, व्हाट इफ है ही ऐसा सीरीज़ कि भैया तुमको कंफ्यूज कर दे। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना, वीडियो चलोगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आप लोग व्हाट इफ का फर्स्ट एपिसोड भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग।